फरीदाबाद में दिल्ली से ईद की खरीदारी कर लौट रहे तीन युवकों का बदमाशों से सीट को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से तीनों युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं असावटी रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी रुकने पर आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग गए, जिसके बाद यात्रियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बल्लभगढ़ जीआरपी पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 324, 302 और 34 के तहत 57 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम आपका? सब क्या हुआ था, आप ट्रेन में गए थे, क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? सदर बाजार से आ रहे थे कपड़ा लेके, तो हम बैठे थे तो सीट के ऊपर बैठे दो तीन 15 एक लड़के आए थे, वो तो उसके ऊपर लड़ाई करते हम तक कपड़ा पर मारे, बहुत समस्या और क्या मारा बस, फिर आगे आके ध्यान आज बने बना के चप्पू को मारे थे। चप्पू को मारा? कितने लोगों को मारा? 15-20 लोग। कितने लोगों, कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें तीन, तीन लोग घायल हुए। हाँ, उस समय आप मौके पर मौजूद थे? हाँ। कहाँ से चढ़े थे ये लोग? ये लोग चढ़े थे चिकल का बाग में, ओखला से चढ़े थे। आप कहाँ से आ रहे थे? आप हम सदर बाजार से आ रहे थे। अच्छा, सूरतपाल जी, कल एक मामला आया था जिसमें तीन बंदे घायल हुए थे, क्या है पूरा मामला? सर, उसमें ऐसा है, चार बंदे थे, वो ईद का अपने त्यौहार का सामान लेकर सदर बाजार से आ रहे थे। जैसे ही ओखला रेलवे स्टेशन आया, वहाँ से पैसेंजर उतरते चढ़ते हैं, तो वहाँ से 10-15 व्यक्ति चढ़े हैं और चढ़ करके सीट के पास उधर बैठे हुए जो ईद का सामान लेकर के आ रहे थे, उनके साथ सीट को लेकर के विवाद हुआ आपस में, और ये विवाद बढ़ते बढ़ते फरीदाबाद तक आ गया। फरीदाबाद में उन्होंने उतरने की कोशिश करी, लेकिन उतरने नहीं दिया उनको। फिर उन्होंने अपने बल्लभगढ़ उतरने की कोशिश करी है, वहाँ भी नहीं उतरने दिया। उन्होंने अपने घर फोन करके कुछ लड़कों को बुलाया, और वो लड़के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से चढ़े हैं, हाजत के लिए आए थे लड़के, उनसे भी उनकी भी नहीं मानी उन्होंने, लेकिन वो उतरने नहीं दिए। ऐसा कितने लोग थे जो कि उनको इतनी बदमाशी कर रहे थे? ये 5-7 लोग थे। क्या इसमें कोई जाति सूचक शब्द भी कहे नहीं? जाति सूचक कोई शब्द नहीं, ये एक सीट के ऊपर लड़ा हुआ था इनका। उसके बाद क्या पता चला घायल हुए हैं वो किस तरीके से? जो घायल हुए व्यक्ति कुछ अपने असावटी रेलवे स्टेशन को उतर के उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया, एम्बुलेंस में उनको पलवल हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, जिसमें एक चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।